जो आपको अभी दिखाया है ये है कुंभा राणा ने बनाया है अपनी जीत की खुशी के लिए। इतने जो छोटी छोटी चीजें जो बनी हुई है ये सब हाथ से बनाई गई है। ये देखो जी, हम नीचे पद्मिनी जो महल था वहां से ऊपर आ रहे थे, तो वहां से रास्ते में आते हमें ये मिला व्यू। तो अब जो है हम आए हैं चित्तौड़ का किला जमी थी। यहाँ से थोड़ा कुछ स्टार्टिंग दिखा दूँ मैं आपको। ये जो पूरा एरिया बना हुआ है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का जो किला बना हुआ है, ये बताते हैं कम से कम 11 किलोमीटर में बना हुआ है। ये 11 किलोमीटर का है कम से कम, और इंडिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है ये चित्तौड़ का किला। अब जोधपुर से हम आ रहे हैं चित्तौड़ के किले में, अभी दिखाते हैं अंदर चल के आपको। यहाँ से इसकी एंट्री है। अभी मुझे चलो अभी हमें भी नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं, कुछ बोर्ड वोट मिलेगा तो आपको पढ़ के बताएंगे। लंगोर बहुत है भाई यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो ये ऐसा कुछ है पास से, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आगे चलते हैं। जो आपको अभी दिखाया है ये है कुंभा राणा ने बनाया है अपनी जीत की खुशी के लिए। कोई भी कुछ भी कोई जीतता था ना वो कुंभा राणा, तो ये बताता ये बनाता था ऐसा कुछ। यू चेक करो ना साहब, बट उन्होंने 01 पे कोटेशन दिया है अमित जी ने। बहुत तड़ा चढ़ा रास्ता है। अल्लाह चलो रुक जाए रुक जाए रुक जाए। जो मैंने आपको वहां से दिखाया था, ये कह रहे हैं जो ये टावर है ना, पहले मतलब यहाँ बनने से यहाँ बनना था, फिर इसको कुछ प्रॉब्लम की जरूरी की वजह से फिर इसको वहां शिफ्ट करना पड़ा। ये सीन था, यहाँ बनना था पहले, फिर यहाँ वहाँ बन गया। इसकी हिस्ट्री बताता हूँ आपको किसी से पूछ के। देखो व्यू वहाँ पे व्यू चेक करेंगे हम। आगे की सड़क का कुछ ऐसा व्यू है। ये क्या है, क्या था ये है? डैम टाइप बैठा दिया। मंदिर की बैक साइड है। कहते हैं जो छोटी छोटी चीजें जो बनी हुई है ये सब हाथ से बनाई गई है। देख चेक करो आप, बहुत टाइम लगा होगा बनाने का। बहुत पैसे बनाया है उसको, टाइम लगे। ये देखो ये पूरी हिस्ट्री है, आप स्टॉप करके देख लो। देख वीर गोरा बादल। अब थोड़ा और आगे की तरफ जा रहा है। चाचा पानी दे रहा है घासों पे। ये
बहुत लंबा किला है, बहुत बड़ा, पूरा 13 किलोमीटर का है किला, 13 किलोमीटर का। देखो जी अभी आ गया आपका पद्मिनी महल, तो इसके अंदर चलते हैं, आपको फिर अंदर का दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने की जगह बना रखी है उन्होंने, बाकी ये महल है, इसके अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। देखो जी इसके अंदर जा रहे हैं हम, यहाँ पर टिकट चेक हो रहे हैं। देखो जी अंदर से कुछ ऐसा व्यू उसका, देखो जी इस किले का व्यू कुछ ऐसा अंदर से, पद्मिनी किला। अभी अंदर और लंबा जा रहा है, फिर अंदर और चलेंगे। यहाँ पे कोई जीना जा रहा है ऊपर की तरफ भाई, कुछ ऐसा यहाँ से अंदर से, ये देखो जी अंदर से कुछ ऐसा है, आगे आगे एक रास्ते इधर जा रहा है, एक रास्ता सामने जा रहा है। ये देखो जी वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ अंदर, पूरे पुराने टाइप का गेट लगा हुआ है यहाँ पे, देखो आप देख सकते हो, देखो बहुत मजबूत गेट है। बाकी ये यहाँ पे कुछ खाई सी बना गई है यहाँ पे, अभी अपन आए उस साइड से, उस साइड से जो है और इस साइड से भी ऐसे है, इस साइड से पूरा मैदान है, इसके नीचे जस्ट वहाँ पे जो अकबर की जो सेना पड़ी। देखो जी एक ये जगह है यहाँ पे किले के अंदर, और एक इस टाइप की जगह बनी है अंदर, यहाँ पे नीचे तहखाना सा बना हुआ। देखो जी यहाँ पे कोई इस टाइप का ये बना अंदर से, देखो जी हम नीचे पद्मिनी जो महल था वहाँ से ऊपर आ रहे थे, तो वहाँ से रास्ते में आते ही हमें ये मिला व्यू। व्यू चेक करो आप यहाँ से, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो आप, ये देखो जी व्यू यहाँ से आप।